नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बी फॉर बड़। बड़ मैंने आम भाषा में बड़ा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये दही बड़ा से अलग होता है। हमारे पहाड़ों में इस बड़े का बहुत ही महत्व है। ये शगुन माना जाता है। कोई भी तीज त्योहार हो, हर पकवान की तरह खीर बनाओ, पूरी बनाओ, छोले भटूरे कुछ भी बनाओ, उसके साथ बड़ा का होना बहुत जरूरी है। इसका शगुन ही माना जाता है। ये देवताओं को भी चढ़ता है। सबसे पहले तो ये नामकरण संस्कार हो या अन्नप्राशन संस्कार हो या शादी ब्याह हो, सब में ये बड़ा बनता है। ये बड़ा यहाँ तक कि जब जो नई दुल्हन होती है वो मायके से ससुराल को जाती है या ससुराल से मायके को आती है, तब भी हर पकवान के साथ वो बड़ा जरूर उसके लिए बड़ा जरूर बनता है। और उसका आदान प्रदान भी होता है। मायके से ससुराल को भेजे जाएंगे पूरी के साथ बड़, और ससुराल से मायके को, इसका इतना महत्व होता है। अब दोस्तों ये किस चीज का बनता है और कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये बनता है काली उड़द की दाल का। हमारे पहाड़ों में इसको मांस भी कहते हैं। ये पहली रात से भिगाया जाता है और दूसरे दिन सवेरे इसको मिक्सी या सिलबट्टे में पीसा जाता है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और चुटकी भर इसमें हींग डाला जाता है। इसको पकौड़ी की तरह डाल के बनाया जाता है। देखने में तो ये एक छोटा छोटा होता है। इसका नाम इसका बड़ा होता है। तो दोस्तों ये थी बड़ पर बात। सी फॉर चमू पूजना, मतलब चमू देवता की पूजा करना। तो दोस्तों चमू देवता कौन होते हैं? चमू देवता होते हैं दूध, दही, घी, मक्खन, छा, मठा, इसका भंडार भरा रहता है। तो ये चमू देवता की देन मानी जाती है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। जैसे हमारे पहाड़ों में 11 दिन में बच्चे का नामकरण होता है, इसी तरह गाय का बछड़ा या भैंस का बछड़ा होगा तो उसका भी 11 दिन में नामकरण किया जाता है। फर्क इतना है दोस्तों, बच्चे के नामकरण में पंडित जी आते हैं और रिश्तेदार आते हैं, तो गाय और भैंस का बच्चा होता है तो उनके नामकरण में उनके घर वाले ही कोई सयाना आदमी उसकी पूजा कर देता है, उसका नामकरण कर देता है। मतलब तो 11 दिन में जब उनका उसका नामकरण होता है तो गाय को भी और उसके बछड़े को भी तिलक लगाया जाता है, उसकी वहां पर पूजा धूपेण की जाती है और उसके दूध का आटे को घी में भून के दूध से लापसी बोलते हैं उसको, वो पकाया जाता है और सारे गांव में बांटा जाता है। तो 22 दिन में फिर उसकी पूजा की जाती है और उसके दूध का उस दिन खीर बनाई जाती है, तो खीर को भी सारे गांव में बांट दिया जाता है। तो उस दिन चमू देवता की पूजा भी की जाती है। उस दिन खीर के साथ पुए भी बनाए जाते हैं। तो पुए बना के चमू देवता को दूध की धार या दूध का कुंड बना के चढ़ाते हैं, कोई नारियल भी चढ़ाते हैं। तो उनका नाम लेके कि हमारी गाय बच्चियां हमेशा हमारा दूध होते रहे और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इनको कोई कष्ट ना आए, इसलिए चमू देवता की पूजा की जाती है। और दूर कहीं जैसे दुनागिरी, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर दूर है, ऐसी चमू देवता का मंदिर भी कहीं दूर होता है, कोई साल दो साल या पांच साल में जिसके घर में दूध दही होता है तो वहां ले जाके वो मंदिर में जाके भी पूजा करते हैं, नहीं तो अपने घर में स्मरण करके चमू देवता की पूजा करते हैं। ये हुआ सी फॉर चमू देवता। डी फॉर देर हो गई, बाद में बताऊंगी। तो दोस्तों क्लास को लाइक कर लेना, जो नहीं आए हैं उनके लिए शेयर कर देना, बोलना कि अगली क्लास में जरूर आए। धन्यवाद।